आज एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुआ है और इसलिए हम सोचे आप लोगों से शेयर करें। कल शाम में एसोसिएट निगर ने एक टेक्निकल इनपुट जनरेट किया जिसके बेसिस पर उत्तर होल बडगाम में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आर्मी पुलिस सीआरपीएफ आर्मी और बडगाम पुलिस सारे मिलके और रात में 3 बजे इनकाउंटर शुरुआत हो गई और आज तीनों टेरिस्ट मारे गए। तीनों लश्कर तबा के टेररिस्ट हैं जो अपने आप को टीआरएफ बोलते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है और जिसका हम सब नाम जानते हैं कि लतीफ़ राथर है, इसका कोर्ट नेम अब्दुल्ला है। ये 2001 में सबसे पहले एक्टिव हुआ था और 2013 तक एक्शन टेरर इंसिडेंट में भाग लिया। उसके बाद ये अरेस्ट हो गया था और पिछले साल दिसंबर 2021 में जेल से हेल्थ ग्राउंड पर ये रिहा हुआ। उसके बाद फिर से एक्टिव हो गया और काफ़ी इंसिडेंट के मैं 3-4 इंसिडेंट जो कराया है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आप लोग याद कीजिएगा, ये वही लतीफ़ राथर है जो कभी अबू कासिम का राइट हैंड होता था, उसके साथ चलता था। 24 जून 2013 को हैदरपुरा पर आर्मी कन्वॉय पर एक मेजर अटैक हुआ था। यही लतीफ़ राथर है जो अपनी गाड़ी में पहले टेररिस्ट को पाकिस्तानी को इरशाद गनी को अपने घर में रखा और अपने गाड़ी में ला के हैदरपुरा ड्रॉप किया था, जिसमें कि 8 जवान शहीद हो गए थे, 19 इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद 2013 में ही हमारे SHO चरवा थे SI सबीर अहमद साहब, उस पर अटैक किया था जिसमें SHO साहब शहीद हो गए थे और 2-3 सिपाही भी जख्मी हो गए थे। उसके बाद जब ये लास्ट डेट ये रिलीज हुआ जेल से, तो इस साल मई में हम सब जैसा जानते हैं कि जो एक कश्मीरी पंडित थे राहुल भट्ट, जो मुलाजिम थे चरवा तहसीलदार का ऑफिस में, उस पर अटैक किया था कातिल अहमद। हम लोग इसके पीछे तभी से लगे हुए थे। उसके 2-3 दिन के बाद ये आमिर भट्ट पर अटैक किया था। तो दोनों किलिंग में जो इसके साथ एसोसिएट किया था, जैसे राहुल भट्ट के किलिंग में 2 FTP भी था उसको हम लोग पहली मार गिराए थे और आमिर भट्ट के साथ किलिंग में लतीफ़ के साथ 2 और टेररिस्ट था उसको मार गिराए थे, ये बच गया था। जैसा जिसका जिक्र बार बार आप लोग भी करते आए, हम भी करते हैं, हम लोग ये मारा गया। आज आमिर भट्ट को भी राहुल भट्ट को भी इंसाफ मिला है और सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, खास करके आवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज़्यादा अटैक जो होता था सिविलियन पर होता था।